हाय गाइस, मैं हूँ शुभम। और अगर आप भी मेरी तरह ही हवाई या ओनर का डिवाइस खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में से 5 या 10 मिनट निकाल के पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद में डिसाइड करना कि आपको ओनर का या हवाई का डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को फ़ोन में बैटरी 15% से कम होने पर या 10% से कम होने पर क्या क्या होता है, ये आप देखिए, आप ही के सामने दिख जाएगा। क्योंकि मैं यूजुअली डेली यूज करता हूँ, तो कभी न कभी 15 से लेकर 9% या 10% के बीच में कभी न कभी डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, और वो इस वीडियो में जरूर होगा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि ओनर और हवाई का डिवाइस खरीदने से पहले लोग बचें। क्योंकि आप अगर फ़ोन खरीदते हो इनका ऑनर 7X कोई सा भी, तो आपके पैसे वेस्ट होंगे। बिल्कुल सर्विस बेकार है, कोई भी एंड्रॉयड अपडेट आपको नहीं मिलने वाली है, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल घटिया है। मैंने ये डिवाइस खरीदा था करीबन 10 अप्रैल 2016 को करीबन 42,999 रुपये का। तो 43,000 रुपये का डिवाइस खरीदा था, मुझे खरीदे हुए करीबन 1.5 साल हो चुका है। और मैंने ये वीडियो अब तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरा यूट्यूब पर चैनल है और मुझे डर लगता था कि ओनर या वाई से मुझे रिव्यू यूनिट मिले या ना मिले। और पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सिचुएशंस या जो परेशानियां मैं फेस कर रहा हूँ वो हर एक कंज्यूमर फेस कर सकता है। तो सारे कंज्यूमर्स के लिए वीडियो है, इसमें मैं सारी बातें जो ओनर या वाई का सर्विस सेंटर से मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। मैं मार्च में लोगों के साथ में डिवाइस आया था, और मुझे दिसंबर में अपडेट मिली थी एंड्रॉयड 7.1.1 की। एंड्रॉयड 7.1.1 के अपडेट के बाद में इस डिवाइस में पता नहीं क्या हुआ, हार्डवेयर फेलियर था या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इशू था। इस डिवाइस की बैटरी जो है बिल्कुल डाउन हो गई, मतलब आपको 2 या 3 घंटे ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलेगा। और बैटरी जब 15% पे आएगी या 15 या 14% पे, तो ऑटोमेटिकली डाउन होती जाएगी 1-2%, या अगर 15 मिनट में ही आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डाउन होती जाएगी, और 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैंने इस बारे में, मेरा फ़ोन वारंटी में था, तो मैंने वाई से बात की कि सर अपडेट के बाद में ऐसा ऐसा मेरे डिवाइस के साथ में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हो और उसके बाद में वहाँ पे जाके बता सकते हो डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैं वहाँ पे गया सर्विस सेंटर, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला वहाँ पे। मैं गया तो वहाँ पे मैंने डिवाइस दिया, डिवाइस देने के बाद उन्होंने चेक किया और मुझे कहा कि सर आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, मतलब जो मदरबोर्ड है उसमें डिवाइस में प्रॉब्लम हो चुकी है। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले यहाँ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि नेक्सस 6P में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या क्या अपडेट के बाद में क्या क्या परेशानियां कस्टमर्स को झेलनी पड़ी थी। तो मैंने कहा कि सर वारंटी में डिवाइस, आप डिवाइस को मदरबोर्ड चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वारंटी में डिवाइस का मदरबोर्ड चेंज नहीं होता है। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, मतलब मदरबोर्ड तो आप चेंज ही कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम मदरबोर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, वारंटी में होगा तब भी नहीं कर सकते, आपको 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। एकदम से मुझे झटका लगा, और ना ही मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम की। ये स्क्रीन तो बाद में टूटी थी, मैंने सारी प्रॉब्लम्स पहले बता दी थी वहाँ पे। स्क्रीन तो अभी करीबन जुलाई में टूटी थी मैंने, जुलाई 2017 में। उसके बाद में मैंने वाई कस्टमर केयर में बात की, तो उन्होंने कहा कि सर अपडेट हमने नहीं दिया, एंड्रॉइड 7.1.1 का अपडेट गूगल ने दिया था, आप गूगल से बात कीजिए। मैंने गूगल से बात की तो गूगल ने कहा कि ये डिवाइस हवाई का मैन्युफैक्चर है, तो मैन्युफैक्चर से ही बात करनी पड़ेगी आपने, आपको हवाई में। अगर आप गूगल स्टोर से डिवाइस खरीदते तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है। तो गूगल ने तो इस चीज़ को मान लिया था कि इस डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है, वो उनके जो सॉफ्टवेयर रिलीज या फिर जो भी सॉफ्टवेयर बग था या फिर मदरबोर्ड में बग था वो उसकी वजह से हो रही थी। पर गूगल ने ऐसा नहीं किया, गूगल ने बिल्कुल मेरी बात मानी और उन्होंने कहा कि अगर आपने डिवाइस खरीदा है हमारे स्टोर से आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो, अगर आपने अदरवाइज ऑफलाइन खरीदा तो आपको हवाई से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हवाई से मैंने वापस कॉन्टैक्ट किया तो हवाई ने बोला कि सर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप गूगल से बात कीजिए या फिर मदरबोर्ड चेंज करवा लीजिए। अब एक बार आप सोचिए, मैंने 40,000 रुपये 42,000 रुपये खर्च करके डिवाइस खरीदा था, 6 महीने के अंदर डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रही है, और हवाई बोलता है कि आपको मदरबोर्ड चेंज कराना होगा, जबकि मैंने डिवाइस में कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हवाई ने बोला कि आपको मदरबोर्ड 25,000 रुपये में चेंज कराना ही पड़ेगा। तो ये परेशानी मेरे साथ में रही, ना तो हवाई ने सुनी ना गूगल ने सुनी। खैर गूगल की तो कोई गलती नहीं थी, गूगल ने कहा था कि आप चेंज करवा सकते हो अगर आपने स्टोर से खरीदा था। पर जो हवाई का एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने काफ़ी बार इन्हें कॉल किए, काफ़ी बार ट्विटर पे इन्हें ट्वीट किया, और अब आप देख सकते हो 5 मिनट के अंदर बैटरी 4 या 5% कम हो चुकी है यहाँ पे, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, फ़ोन में यूट्यूब वगैरह चल रही थी हल्की हल्की, तो उसी में फ़ोन की बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है। कभी कभी तो फोन में ये होता है कि 15% बैटरी रहती है और फोन ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है, ये सब हुआई के फेलियर हार्डवेयर की वजह से हुआ है। इन्हें रोज ट्विटर पर मैसेज करता गया, इनका रिप्लाई आता गया कि हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको अपडेट में सही हो जाएगा, रिवाइस अपडेट में सही हो जाएगा।
मेरे डिवाइस की वारंटी अप्रैल में ख़त्म हो गई। अप्रैल में ख़त्म होने के बाद में मैंने इनसे फिर बात की, तो इन्होंने कहा कि सर आपके डिवाइस तो आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, आपको वैसे भी पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर पहले वारंटी में था तब क्यों नहीं किया, कि सर उस टाइम अपडेट का वेट कर रहे थे ना, और वैसे भी आपको उस टाइम भी पे करने पड़ते हैं, इस टाइम भी पे करने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली 9% बैटरी के साथ में शट डाउन हो गया। ये इश्यू इस फोन के साथ में मुझे देखने को मिलता है, मतलब 9% बैटरी थी फोन में और ऑटोमेटिकली शट डाउन हो चुका है। और अब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये फोन ऑन नहीं होगा, ये देखिए। इसीलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा था कि फोन कैसा है कैसा नहीं है। ये फोन ऑन तो हो गया, अब यहाँ पे देखना, अब 9% बैटरी थी, 9% बैटरी में फोन अपने ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। ये देख लीजिए आप, फोन में बैटरी आपको दिखा देगा यहाँ पे कितनी परसेंट बैटरी थी। ये फोन वापस ऑफ हो चुका है, या पता नहीं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। इस डिवाइस में यही प्रॉब्लम रहती है, अगर आप ऑनर या वाई का डिवाइस खरीदते हो तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। देखिए ऑन, डिवाइस ऑन नहीं हुआ बिल्कुल, 15% से 9% बैटरी पे आया, उसके बाद में डिवाइस ऑन भी नहीं हो रहा। अब मैं इसे अगर चार्ज लगाता हूँ तो आपके सामने एक बार और मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको ऑन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। अब देख लीजिएगा आप, डिवाइस ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसमें बूट लूप इशू है और डल्ले शट डाउन इशू भी है। और जब तक मैं इसे चार्ज नहीं लगाऊंगा तब तक ये डिवाइस ऑन नहीं होगा। ये परेशानी होती है इस हवाई या ऑनर डिवाइस के साथ में, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल मत खरीदना आप एक भी बंदा। अब इस डिवाइस को जब तक मैं चार्ज नहीं लगाऊंगा तब तक ये डिवाइस ऑन नहीं होगा। आप और मैं चार्ज लगा के आपको दिखाता हूँ एंड टू एंड यहाँ पे कि इस फोन में कितनी परसेंट बैटरी लेफ्ट है, तब भी ये डिवाइस ऑन नहीं होता है। और यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ डिवाइस को, देखना बैटरी परसेंटेज कितनी है। इस घटिया कंपनी का डिवाइस है ये, और इतना घटिया है, घटिया बिल्कुल घटिया। अब देख लीजिए आप, बैटरी 9% से बिल्कुल जीरो चली गई थी और यहाँ पे फोन 3% चार्ज हुआ है। यहाँ पे मैं बैटरी का ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप बैटरी का ग्राफ देखिए। यहाँ पे जब 9 या 10% बैटरी थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो पे चली गई थी। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए जो बैटरी का ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, वो बिल्कुल 9% से जीरो पे चला गया था ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता ऑनर या वाई का डिवाइस खरीदने के लिए, बिल्कुल घटिया कंपनी है और इसको कस्टमर्स के बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है।
गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो.